गोरखनाथ के विषय में वहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये मच्छिंद्रनाथ जी ने एक किसी औरत का बच्चा नहीं था, उसको एक वो विभूति दिया, मगर उसने विभूति न खाने के कारण गोबर में फेंक दिया। बस वहाँ पीछे मच्छिंद्रनाथ जी गए, मच्छिंद्रनाथ जी ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ गया, तो उन्होंने फेंक दिया, हमने कहाँ फेंका, गोबर में फेंका, तो वहाँ खोद के गोरखनाथ को निकाला। इस प्रकार की उनकी कहानी है, अगर उनको याद करना चाहिए क्या कर रहे हैं वो, कौन प्रमाण है वो, क्योंकि उससे तो ये मध्यकाल में अभी लिख रहे हैं गोरख पुराण। कृष्ण जी को भी तो सान्निपि ने योगाचार्य बनाने के लिए क्या लिया था, गोरख से पद्धति नहीं दिया कि वही गोबर वाला वो थे 5000 वर्ष पहला तो गोरखनाथ है, उससे आगे भी जाओ नाथ के विषय में गोरक्षनाथ वेद में भी आते हैं। जैसे कि नाथ पंथों का अभिवादन क्या है, आदेश पाई लगी दंडवत कोई नहीं है, तो इसका दूसरा अपभ्रंश नमस्ते रुद्र मन्ने में उतो तो ईसा है। वेद में जब ब्राह्मण लोग का अभिवादन वो होता है तो आदो नाथ मई सृष्टि नाथ आदि ब्राह्मण, नाथ की सृष्टि आदिनाथ से हुआ। आदिनाथ के बाद में हमारे नेपाल की मान्यता जो आपके उधर से, अभी गोरख पुराण का मान्यता तो मैंने बताया कि वो गोबर से गोरखनाथ उत्पत्ति हुए, मच्छिंद्रनाथ ने निकाला। ये दोनों चीज, मच्छिंद्रनाथ गणांत नक्षत्र में जन्मा हुआ एक ब्राह्मण का लड़का को ये करके मच्छिंद्रनाथ के विषय में बोलते हैं, ये दोनों चीज गलत है। क्योंकि मच्छिंद्रनाथ क्या है, मच्छिंद्रनाथ और हनुमान ये एक ही वीरे के जोड़ा भाई है, ये कहीं खोजिए। क्योंकि भारतवर्ष में तो बहुत समय तक हमारे प्राचीन ग्रंथों को ये अकबर से लेकर जब हस्तलिपि से छापाखाना बना, उस समय में उन्होंने छेपक डालने शुरू कर दिया, जिस छेपक से हिंदुओं का रास्ता ही भ्रम हो जाए करके उन्होंने ऐसा किया है। मगर यह जो था कौल परंपरा में, तो वो परंपरा के अनुसार, हमारे गुरु परंपरा के सुने हुए अनुसार, गोरखनाथ जी क्यों उत्पन्न होना पड़ा, मच्छिंद्रनाथ जी कब उत्पत्ति हुई, हनुमान क्या है, ये इस विषय में अभी तो बहुत से ग्रंथ पाश्चात्यों ने हमारे छेपक लगाकर उनके अनुकूल बना चुका है। प्राचीन ये हमारे परंपरागत गुरुओं से, गुरुमुख से कहीं अभी भी बूढ़े लोग हैं, उधर उत्तराखंड में भी हैं, यहाँ भी हैं, जो कि बाहर नहीं दिखते हैं, उनके अपनी साधना में बैठे हैं, उन गुरुओं से ये चीज़ मिलते हैं। तो ऐसे हमने जो सुना है, कुछ प्रमाण भी है उसमें, मच्छिंद्रनाथ प्रथम मच्छिंद्रनाथ और हनुमान, उससे बाद में कैलाश पर्वत में जब एक दिन पार्वती को अमर कथा सुनने की इच्छा हुई, अमर कथा सुनाने के लिए शिव जी को बहुत उन्होंने स्तुति किया, स्तुति करने के बाद अमर कथा के लिए कहाँ आए, अमरनाथ में, अमरनाथ को लोकालोक में बैठ गए। लोकालोक का अर्थ क्या है, आकाश और इसका नहीं है, उसके जो अमरनाथ के गुफा के किनार में क्या था, समुद्र के किनार था, जितने भी भारतवर्ष थे वो जल के भीतर में था। तो उस समय में जब पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे, तो सुनाते समय में पार्वती तो सो गई, सो निद्रा में बैठ गई, तो मच्छिंद्रनाथ एक महामत्स्य राघव मछली के, जिसमें मच्छिंद्रनाथ थे उनके बीच में, वो कैसा, अब हम इस पार्ट को यहीं छोड़ के उस पार्ट में जाएं। एक दिन भस्मासुर ने ब्रह्मा जी का तपस्या किया, बहुत बड़ा तपस्या किया, तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती को भस्मासुर को तपस्या, तो आप जाने से और हमारे जाने से कोई फर्क न पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही शक्ति तीन रूप है, तो आप जाके उसको वरदान दियो, आशीर्वाद दियो करके ब्रह्मा जी ने शिव जी को भेजा।
शिव जी को जब आशीर्वाद देने के लिए के गए भस्मासुर के यहाँ, बोलो भस्मासुर तुम्हारी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुमको क्या चाहिए, मैं देता हूँ, जो वो मांगोगे वही मैं देता हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं करके भेजे हैं। ऐसा करके जब पूछा तो वो तो असुर तो था ही, दियोगे जो मैं जो मांगूंगा आप दियोगे, तो वचनबद्ध करा के तो वैसे है, तो जो पराशक्ति कुंडली हमको दे दो करके शिव जी का कुंडली उसने ले लिया। जब कुंडली रहित शिव जी हो गए तो बस तो सबसे समान हो गए, तो फिर उसने क्या किया, शक्ति तो अब मेरा हाथ में हुआ, वो पार्वती भी मुझे दे, अगर नहीं देगा तो खत्म करूंगा करके जब आगे आगे पार्वती शिव, पीछे पीछे भस्मासुर खदेड़ता गया, पार्वती बहुत दिखा गई, अब हमारा कोई उपाय नहीं, क्या करें, फिर चलो विष्णु के साथ में जाएंगे, हरि जी के साथ में जाके उनसे कहेंगे, जाके पार्वती को, जब विष्णु के यहाँ पार्वती चली गई तो विष्णु ने बोला माता जी क्यों आए, क्या आपत्ति हुई पूछने पर, फिर विष्णु पार्वती ने बोली ब्रह्मा जी की तपस्या के कारण उनको आशीर्वाद भस्मासुर को देने के लिए हम लोग गए थे, शिव जी भोलेनाथ ने कुंडलिनी भी दे दिया, कुंडलिनी मांगा उसने दे दिया, उसके बाद हमको भी मांगा, हम भागते भागते आए शरण में आपके लिए, आपके पास मैं आया हूँ, वो शिव जी के पीछे भाग रहा है, वो क्या करना है करो करके पार्वती ने कहा, आप कोई न घबराएं हम लाएंगे करके फिर गया। कहाँ गए विष्णु भस्मासुर के साथ में जो शिव जी को खदेड़ रहा था, बीच में पार्वती के रूप लेकर मोहिनी रूप माई पार्वती बन के बीच में खड़ी हो गई, खड़ी होने के बाद में हो गए विष्णु, तो अरे भस्मासुर वो बूढ़े महादेव को छोड़ दे, तेरे जैसे पराक्रमी को पाकर मैं उस बूढ़े के पास क्यों जाऊंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगी, अब मुझे खुशी बनाने के काम कर, ऐसे जब वो भस्मासुर को कहा तो वो भी प्रसन्न हो गया, शिव जी को छोड़ दिया, शिव जी अपने अब भागते रहे, तो विष्णु ने अब मुझे प्रसन्न क्या क्या करेगा, नाच देखा, गीत गा, विभिन्न कर करके जब वो नाच करते करते वो कंकण हाथ में लाया था तो ऊपर हाथ करके जब नाचा, क्या उसने विष्णु जी ने भस्मी भव ऐसा कहने पर वो भस्म हो गया, तो कंकण लेकर अब तो देना पड़ेगा शिव जी को, और शिव जी को देने के लिए जब गए तो शिव जी तो भाग रहे हैं पीछे पीछे, मुझे भस्मासुर आ रहे कहकर, तो फिर उसी में पार्वती और विष्णु ने भगवान आप क्यों भाग रहे हैं, मैंने ये ले आया कुंडली उससे ले आया, जब कुंडली देखा विष्णु को देखा तो शिव जी आश्चर्य होकर अरे विष्णु उस दानव दुष्ट से कैसा लाया ये कुंडली, किस प्रकार से छुड़ाया, आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछने पर वो उनको तो इतने गदगद हुए विष्णु जी को, मैंने बहुत किया शिव जी के लिए, ऐसे करके हमने पार्वती बन के लाया, तो फिर उनको भी ऐसे वो हो गए, उत्तेजना हो गई, अरे विष्णु तुम कैसे पार्वती बनी, हमको भी जरा दिखाओ तो पार्वती का रूप करके, जब ये शिव जी ने उनको पूछा तो पूछने पर विष्णु ने जब माया रूप पार्वती का ले लिया, तो लेते समय वो तो भूल गए सुध बोध हो गए, जब उनसे कामाशक्ति से उनको अंकमाल किया तो उनका शुक्र पतन हो गया, वो शुक्र पतन होने पर अगर वो छोड़ देते सृष्टि भस्म हो जाती, तो विष्णु ने दो हाथ में शिव जी का शुक्र को थाम लिया, थामने के बाद में फिर शिव जी तो लज्जाप्रद हो गए, वो अपने तरफ लगे तो विष्णु को आपत्ति हो गई, अब ये आपत्ति कैसे छुड़ाया जाए, ये ब्रह्मा के कारण हुआ है, इसी के पास में जाऊंगा करके ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा तुमने ऐसे भोलेनाथ को ऐसा काम लगाया, देखो मेरे के लिए कैसे आपत हो गई, ये इनका वीर्य कितने दिन में हाथ मिलूंगा, छोड़ दूं तो तुम्हारी सृष्टि समाप्त होगी, नहीं तो कहाँ तला लाना, क्या करना है, ये धारण कौन कर सकता है, शक्ति है, ऐसे करके तो उन दोनों लोग चले गए वहाँ से, तो अभी जिसको नासिक के पास में समुद्र के बीच में था तो वहाँ एक अंजनी तपस्विनी थी, वो बहुत शक्तिशाली नहीं थी, बस यही कान सकेगी करके वो वहाँ के
ऊपर में एक शक्ति के रूप से उनमें चले गए। तो वहाँ जाके क्या बोले भगवान वो विष्णु और ब्रह्मा जी ने, जलम देही, हमको प्यास लगी है, जल दो। कहने पर वो तो बहुत खुश हो गए, अरे हमारे द्वार में इतने महात्मा लोग आए, हम इनको जल पिलाना चाहिए करके जब जब लाई, जल लाई तो अरे बोलो जल तो हमने मांग लिया, हम निगुरा हो तो तुम्हारे नहीं पियेंगे, दीक्षित नहीं हो तो हम पानी नहीं पीते हैं, तुम किसकी चेली हो, किससे दीक्षित हुई हो। कहने पर बिचार वो सीधी थी, अरे प्रभु हमने तो किसी से दीक्षा नहीं ली है, हमारे गुरु कोई नहीं है, तो फिर छोड़ दो, तुम्हारे पानी नहीं खाएंगे। ऐसे करके वो लोग जाने लगे, प्रभु तुम दोनों में से जिसने मेरे को दीक्षित कराओ तो मैं खुश होंगी, तो मेरा पानी तो पीना पड़ेगा, मुझे पापी नहीं बनाओ करके उन्होंने स्तुति करने पर क्या हुआ, फिर जाके ब्रह्मा जी ने नाड़ी लगाते हैं ना नाथ लोग, उसमें डालकर वो शिव वीर्य को डालकर कान से दीक्षा दी इसको अंजनी को, तो गर्भ हो गए हनुमान जी। तो अब बाकी शेष जो हाथ में रहा था वीर्य, वो तो ऐसे लेकर जाना नहीं है, उसमें कुछ मल के समुद्र में जब हाथ धोया तो वो लगा हुआ वीर्य वो महामत्स्य राघव मत्स्य ने खा लिया, तो उसी से क्या अमोघ वीर्य के कारण उस महामत्स्य राघव मत्स्य के पेट में क्या हुए थे, मच्छिंद्रनाथ हुए थे, मच्छिंद्रनाथ हनुमान शिव जी के दोनों लड़के। तो वो क्यों ऐसा हुआ था, राम रूप में जब भगवान विष्णु का राम के अवतार होते समय में सेवा के लिए प्रदान किया था, वो तारतम्य में उनका था, तो उसके बाद में जब वो कथा सुनाते समय में वो पार्वती तो योग निद्रा में सो गई, तो वही महामत्स्य से आकर तेजो भार को सहन करने न सकर मुँह खोल दिया, मुँह खोलने पर वहाँ जाके बाल स्वरूप में मच्छिंद्रनाथ बैठ गई। मच्छिंद्रनाथ जब वहाँ बैठ के पार्वती हुंकार लगाती थी, खर्राटे लगाने लगी और वो हुंकार लगाते रहे, जब अमर कथा सब समाप्त हो गया तब तो शिव जी ने अपने ध्यान खोल के देखते हैं तो एक बच्चा बैठ के हुंकार लगा रहा है, अरे बच्चा तुम्हारे ये कौन कैसी है, ये किस पुण्य का कर्म का भाग से तुम यहाँ आ गए, तुम कौन हो, ये प्रभु मैं नहीं जानता हूँ, ये आप ही जानते हो, ये मुझे मालूम नहीं है मैं कैसा हूँ क्या हूँ। ऐसा कहने पर बहुत प्रसन्न हो गए, तुम गुरु शिष्य परंपरा को लेकर योग मार्ग का प्रवर्तन संचालन करना करके आशीर्वाद दिया तथास्तु करके। फिर उन्होंने क्या कहा मच्छिंद्रनाथ ने, ये प्रभु आप ही जैसा शिष्य न हो तो मैं फिर नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं जानता हूँ ये परंपरा कुछ भी, आप जैसे मुझे शिष्य चाहिए। तो पिता को शिष्य बनाने के लिए उनके वचन को स्वीकार्य तथास्तु कहने पर गोरखनाथ, अब जो पार्वती फिर उनको घमंड आ गई, मैंने तो अमर कथा सुन ली है, होने पर शिव जी से वो रूठने लगे, अरे तुम मेरे को छोड़ ही नहीं पाते हो, जहाँ मैं हूँ तुम हो, मेरे को छोड़ ही नहीं सकते हो, ऐसे करके खिसियाने लगी शिव जी को। फिर शिव जी ने पार्वती को क्या बोला, नहीं पार्वती मैं तुम्हारे अकेले में नहीं हूँ, मैं तो सर्वव्यापक हूँ। कहने पर उसने नहीं माना, जहाँ मैं हूँ तो तुम वहाँ हो, जहाँ मैं हूँ जहाँ मैं हूँ तो वहाँ हो, तुम वहाँ नहीं हो, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। कहने पर उसने नहीं माना, तो उसको क्या करें, वही दिखाने के लिए उसमें क्या लिखा है, कैलाश शैलस्य समीपे एव दक्षे सुपक्षे किल गोरखाख्य धर्मावती तीर पवित्र कूटे कैलाश कूटे व गुहा गभीरा श्री गोरक्ष गुहा भव्या कैलासात पूर्व दक्षिणे। पूर्व दक्षिण में उन्होंने जो जो श्रीनाथ कोट में आकर बाल वृद्धम न बालम न बूढ़े अवधूत रूप में से तपस्या कर रहे थे, तो शिव पार्वती दोनों आ गए। वहाँ आने के बाद पार्वती जाओ या कोई तपस्वी तपस्या करते हैं उनको पहचान लो, क्योंकि उन्होंने तो कहा तुम मेरे पीछे रहते हो दूसरी जगह में नहीं हो, ऐसा कहा था ना। तो उसी को फिर पार्वती को वो देने के लिए, ब्रह्म मिटाने के लिए वो ध्यान में बैठ रहे थे, पार्वती ने आदेश किया तो गोरखनाथ जी ने आदेश का उपदेश नहीं दिया, उपदेश न देने पर अरे ये कैसे घमंडी देख जी, ब्रह्मा वरुण इंद्र सब लोग हमारे ध्यान करते हैं तो ये किसका ध्यान कर रहा है, हम स्वयं पार्वती और शिव वहाँ से आ रहे हैं, तो बस ये तो ऐसे बैठ रहा है, तो अब इसको मैं श्राप देता हूँ करके गुस्से में आ गई। फिर भी वो अपने ध्यान में रहते रहे,
तो पीछे कौन है मैं देखता हूँ जरा करके। फिर पार्वती ने ध्यान में देखा तो स्वयं शिव को देखती है। जब ध्यान में जब मिले दोनों तो फिर गोरखनाथ जी ने कहा, मात पार्वती अब गो शिव महादेव तुमको ध्यान कर रहे हैं, जल्दी जाओ उधर, यहाँ कोई नटखट नहीं करना कहने पर। फिर और विचलित हो गई, ध्यान से भी शिव को ही देखा तो होने पर फिर शिव जी के यहाँ और चली गई। कोसो गोरक्षनाथ हो भाई, गोरखनाथ कौन है कहने पर फिर स्वयं ज्योति प्रकाश आत्मा शून्याधार निरंजन अहम एवास्मि गोरक्ष मद्रूपम तन्निबोधत। स्वयं ज्योति प्रकाश आत्मा निरंजन है ना, अहम एवास्मि गोरक्षनाथ हूँ, गोरक्षनाथ ही मैं हूँ, मैं गोरखनाथ कहने पर फिर पार्वती ने स्वीकारा। फिर दूसरा क्या था, उस बच्चे का योग मार्ग को प्रचार करो, गुरु शिष्य परंपरा को चलाओ कहने का भी पूर्ण करने के लिए मच्छेन्द्र नाथ जी के शिष्य के रूप में गुरु शिष्य परंपरा को किसने, पिता गोरख पुत्र मच्छेन्द्र ये साबित। ऐसे हमारे परंपराओं में इस प्रकार से हम लोग मानते हैं। मगर वहाँ गणांतर नक्षत्र का यह वो क्या है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ के जितने भी चीज़ें हैं ना बहुत सी हजारों वर्ष तक तो मुसलमान लोगों ने समाप्त किया, बचाए जब तक। अब यह नेपाल में तो अभी तक स्वतंत्र था, ये बिगड़ गया, खत्म हो चुका, वहाँ लोग परतंत्र हो गए तो अपना धर्म का तो वहाँ लोग जितने कर रहे हैं, मूल रास्ता तो नहीं पा रहे हैं, तो भी उनमें उस प्रति तो आस्था है ना, इस करके बिगड़े ऐसे रहा है। गोरखनाथ जी अजन्मा है, क्योंकि बहुत से पुराणों में देख सकते हैं, वेद में देख सकते हैं, ये आज का बना चीज़ नहीं है, है ना। तो इसे करके हमारे यहाँ की मान्यता, हमारे गुरु परंपरा गोरखनाथ जैसे कि उदाहरण के रूप में राजा भर्तृहरि का उज्जैन में कितना समय हुआ, बहुत समय हुआ, 2000 वर्ष हो गया। तो 2000 वर्ष पहले उज्जैन के राजा को जब दर्शन दिया, याम चिंतयाम सततम ईसा विरक्ता शापेन्द्र में क्षति जनम सजनोन्य सत अस्मद कृते परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम चतम च मदनं च इमाम च माम च करके रानी को उससे अमर फल की परिस्थिति से वो त्याग कर निकले। उस समय में भी दोनों वक्त गोरखनाथ ने दर्शन दिया। फिर कंकड़ दूसरे अवस्था में, कंकड़ को भी कृष्ण जी को उससे भी पहला हुआ। फिर इसके बाद में यही के संबंध में कहो तो भी पहला द्रव्य शाह को, जहाँ श्रीनाथकोट बोलते हैं ना, द्रव्य शाह को वहाँ दर्शन दिया। जिस समय में भारत में यवन लोगों ने ग्रस्त कर लिया था, अंग्रेज लोग भी आ चुके थे, नेपाल में भी अंग्रेज लोग पहुँचा था, क्रिश्चन लोग आए थे, बेतिया में खदेड़ा है पीछे, जब नेपाल को काठमांडू को पृथ्वीनारायण शाहले लिया, वही लोग इनको बहुत से नेपालियों को हिंदुओं को बहुत कर रहे हैं। तो जब उस समय में द्रव्य शाह को यहाँ दर्शन दिया, उससे 1500 वर्ष पहला नरेंद्र देव को दिया। नरेंद्र देव को जब अनावृष्टि राशि पुरा द्वारा से 12 साल तक मृगस्थली में नौ नाग को आसन करके पानी नहीं हुआ, पानी न होने पर तांत्रिकों ने देखा तो एक सिद्ध महात्मा शिव जी ने नाग को बंद करके रखा है, उनके गुरु है कामरूप कमखा में, उनको लाओ तो उनके दर्शन में जिस समय में जाएंगे उसी समय में इनको नाग को हटा सको तो बस प्रसाद होगा, नहीं तो फिर जल के मरना पड़ेगा। ऐसे करके ललित भंगुर पंकुर दो तीन आदमी जाकर वहाँ से ले आए। वही परंपरा अभी तक मच्छिंद्रनाथ की यात्रा चलाने की पद्धति वो है ना। ऐसे करके ये है, बहुत सी चीज़ ऐसी ठीक है, बहुत सी चीज नहीं है, मगर यह ये है उत्तराखंड। ये अब क्या हुआ, जो खिचड़ी बन गया ना, जो हम लोगों में पहला जो परंपरा थी, अब ऐसे तो कलिकाल है, कली तो अज्ञान ही है। तो ऐसे करके पहले राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए थे, उसी समय में जनकपुर में शादी हुई थी, या रामपुर करके और जगह भी है, ये तो गुरुकुल था अस्तित्व। श्याम जी देवतात्मा
हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौतो इमाम मध्या स्थित पृथ्वी मानदंड करके ये देवभूमि पहला नीचे ऊर्धमूल मदद शाखा हम लोगों की सबके चाहे वहाँ जाए चाहे यहाँ आए हमारे मूल उत्पत्ति स्थल है कैलाश। कैलाश से कन्याकुमारी तक जब हम पहुँचे तब हम लोग हिन्दु नाम धराया हम सनातनी ओमकार मानव धर्म कहो सनातन धर्म कहो अथवा ओमकार हीन बुद्ध वो क्या वैदिक बोलते हैं वैदिक भी बोलने से हमारा जूट नहीं होगा क्योंकि वेद से पहला तो तंत्र था ना जिसको वो आगम बोलते हैं जिसे है ना। तो अब वो आगमी लोग फिर हम वैदिकों के जितने ये खिचड़ापन आ गया ना इसी से उनका भी तो रूट है उनको सबको समेटने वाला कौन चीज है ना क्योंकि हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर आदम का फकीर बोलते हैं ना इनका सबका नथी लगाने वाला ही आदित्यनाथ जी कर रहे हैं ना अभी इंडिया में कैसा लग रहा है आपको धन्यवाद।